नमस्ते, आज हम लोग क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द बैटरी चार्जिंग करंट एंड बैटरी चार्जिंग टाइम। ठीक है, हमारा घर पे सभी का घर पे जो बैटरी होता है, इन्वर्टर का जो बैटरी, इन्वर्टर के लिए जो बैटरी हम लोग को हमारा घर पे होगा वो क्या है, 120 एम्पियर आवर और नहीं तो 150 एम्पियर आवर और नहीं तो 220 एम्पियर आवर, वो कोई भी रहेगा, उसी का चार्जिंग करंट वो कैसे कैलकुलेट करना है ये हमारा ये वीडियो में देखेंगे। वो चार्जिंग टाइम के लिए एक फार्मूला होता है, डी सी इज इक्वल टू एम्पियर आवर डिवाइडेड बाई एम्पियर, वेयर डी सी इज इक्वल डी सी टाइम इन आवर, ए एच इक्वल टू एम्पियर आवर एम्पियर रेटिंग ऑफ द बैटरी एंड ए इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर। सो बैटरी चार्जिंग करंट के लिए ए एच बाई ए जो फार्मूला है, अभी मैं तो क्या कंसिडर करता हूँ, 120 एम्पियर आवर 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी मैं कंसिडर करूँगा जो ये कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अभी एम्पियर आवर हमको मालूम पड़ गया 120 एम्पियर आवर बोल के, लेकिन एम्पियर तो हमको मालूम नहीं है। अभी ये एम्पियर को क्या है, एक जेनरिक फार्मूला होता है वो टिपिकल, बैटरी चार्जिंग करंट शुड बी 10% ऑफ दी ए एच रेटिंग ऑफ द बैटरी। कोई भी बैटरी का आपको चार्जिंग करंट चाहिए तो वो 10% ऑफ दी 10% का ए एच रेटिंग को लेना है, वो तो बैटरी चार्जिंग करंट है। अगर आप मान लीजिए 150 एम्पियर आवर आप लेगा तो क्या हो जाता है, इसका 10% इसका 10% मतलब 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, सो 0000 कैंसिल होता है, कितना है 50 एम्पियर इसका चार्जिंग करंट है। ठीक है, ऐसा हम लोगों को क्या करना चाहिए, 150 का मैं ले लिया, अभी 120 का ले लिया, 120 एम्पियर आवर ऑफ 10% 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, सो कितना होता है 12 एम्पियर होता है। लेकिन ये 12 एम्पियर का कुछ लॉसेस होते हैं, कोई भी वो चार्जिंग करंट के लिए कुछ लॉसेस होता है, इसलिए हम क्या करना है, प्लस और माइनस प्लस एक एम्प्स नहीं तो प्लस 2 एम्प्स जो ऐड करना है इसी में। मैं तो क्या करूँगा, एक एम्प्स में इसमें ऐड करता हूँ, जो ऐड करने से कितना होता है 13 एम्पियर होता है। अभी हमको चार्जिंग करंट मिल गया, ये जो हमको पहले मॉडल में, सो अभी चार्जिंग टाइम अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टी सी इज इक्वल टू ए एच डिवाइड बाई ए एच का 120 एम्पियर, अभी हम लोग को फाइंड आउट किया 13, ये दोनों डिवाइड करने से कितना होता है 9.23 आवर्स आता है। ये तो प्रैक्टिकल मतलब थियोरेटिकल में ये ठीक है, थियोरेटिकल में ये वैल्यू ठीक है, 120 एम्पियर आवर का जो बैटरी 9.23 आवर में वो पूरा चार्जिंग होता है, 9.23 आवर्स में फुल्ली चार्ज होता है, वो कितना करंट वो ले रहा है 13 एम्पियर ले रहे हैं, वो तो प्रैक्टिकल में थियोरेटिकल में करेक्ट है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, कोई भी बैटरी का 40% लॉसेस होता है। ठीक है, अभी क्या करना, वो 40% भी आप इसमें ऐड करना है, जो 120 जो लिया उसको 40% ऐड करना है, सो 120 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 48 है। मैं क्या बोला, 120 एम्पियर आवर में 48 ऐड करना है, ऐड करने से कितना होता है 160 एम्पियर आवर होता है। अभी कैलकुलेट करो, ये तो प्रैक्टिकल में बराबर रहेगा, टी सी इक्वल टू कितना है, ये दोनों ऐड करने से 168 डिवाइडेड बाई एम्पियर आवर, पहले हम लोग को एम्पियर मालूम है 13, दोनों डिवाइड करने से 12.92 आ रहा है, सो हम लोग को क्या है 13 वो जो राउंड ऑफ करने से 13 आएगा। अभी 120 एम्पियर आवर का बैटरी फुल्ली चार्ज होने के लिए 13 आवर्स लेता है, उसका चार्जिंग करंट कितना है 13 आवर्स से। ठीक है, ये दोनों का कुछ फर्क होता है, लेकिन ये तो थियोरेटिकल है, ये तो प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपको ये वीडियो कोई भी बैटरी का चार्जिंग टाइम वो जो फाइंड आउट करने के लिए ये तो फार्मूला है। आपका ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब करो, आपका दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।